वर्ड मैजिक ट्रिक जिससे हम 22 पार्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के याद कर सकते हैं चुटकियों में। समझिएगा, एक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है जिसे कहा गया UCFD, FUS7UPMCSR, FTSTESOEMATS। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए क्या है। सबसे पहले तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, है ना। एक्चुअल में ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स हैं, है ना। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 1 जिसे बोला गया यू, पार्ट नंबर 2 जिसे कहा गया सी, पार्ट नंबर 3 जिसे कहा गया एफ, पार्ट नंबर 4 जिसे कहा गया डी, पार्ट नंबर 4A, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8। ठीक है, कितने वर्ड हैं? 1, 2, 3, 4। तो जो शुरू के चार वर्ड हैं यूसीएफडी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 जिसे बोला गया FUS7U, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A से लेकर के पार्ट 8 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 10, 11, 12, 13 और 14, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9A, पार्ट नंबर 9B, पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 11 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर FTSTESO, दोस्तों ये कहला जाएंगे आपके 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो ये रिप्रेजेंट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 13, पार्ट नंबर 14, पार्ट नंबर 14A, पार्ट नंबर 15, पार्ट नंबर 16, पार्ट नंबर 17। ठीक है, इसके बाद देखो 22, 23, 24, 25 और 26, तो ये आ जाएगा पार्ट नंबर 18, ये आ जाएगा आपका पार्ट नंबर 19, ये आ जाएगा पार्ट नंबर 20, पार्ट नंबर 21 और ये पार्ट नंबर 22। ठीक है, अब देखो यहां पे टोटल नंबर कितने आए हैं, 26 नंबर आए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक जो है 7 ये क्या हो चुका है, रिपील हो चुका है, तो एक हम इससे क्या कर देंगे, माइनस। तो बचे कितने, 25। तो बाई काउंटिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट कितने हैं, 25 और बाई नंबर कितने हैं, 22। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले UCFD FUS7U PMCSR FTSTESOEMATS। अब सबसे पहले हम इस ग्रुप को उठाते हैं, चार चार वर्ड तो याद ही रख सकते हो यूसीएफडी। ठीक है, इसको अपन पहला ग्रुप दे देते हैं, इसको अपन दूसरा ग्रुप दे देते हैं, इसको हम तीसरा ग्रुप दे देते हैं, इसको हम बना देते हैं चौथा ग्रुप, और ये हो जाएगा आपका पांचवा ग्रुप। ठीक है, पहले ग्रुप पर आते हैं दोस्तों, पहले ग्रुप पर यू, यू स्टैंड्स फॉर द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक डिफाइन किया गया। ठीक है, यू स्टैंड्स फॉर द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट पहला पार्ट आर्टिकल 1 से 4 तक। सी स्टैंड्स फॉर द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप जो कि पार्ट, जो दूसरा पार्ट है आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है, एफ से आ जाएगा दोस्तों फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक आ जाता है, और डी, डी से आ जाएगा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेकर 51। याद रहेगा ये, सबसे पहले जो ग्रुप में क्या था, UCFD, यू स्टैंड फॉर द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 से 4 तक, सी स्टैंड फॉर द सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11, एफ स्टैंड फॉर द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर के 35,
डी स्टैंड फॉर द डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 के बीच में, ठीक है। अब हम इस दूसरे ग्रुप पर आते हैं दोस्तों। दूसरे ग्रुप में क्या क्या लिखा हुआ है, एफ एफ स्टैंड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आर्टिकल नंबर 51A, आर्टिकल नंबर 51A में डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर है 4A। ये कौन सा पार्ट था, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एफ के बाद क्या है, यू, यू स्टैंड्स फॉर द यूनियन, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 5 में डिफाइन किया गया है और ये आर्टिकल नंबर 51 से लेकर के 151 तक जाता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 51 से लेकर के आर्टिकल नंबर 151 तक जाता है, सॉरी आर्टिकल नंबर 52 से जाएगा ना, 51 तो ऊपर हो ही गया, 52 से लेकर के 151 तक जाएगा, जिसमें कि 5 चैप्टर हैं जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। एफ यू के बाद एस, एस स्टैंड्स फॉर द स्टेट, ये आपका पार्ट नंबर कौन सा कहला जाएगा, 6, जो कि आर्टिकल नंबर 152 से लेकर के 237 तक जाता है, ठीक है। अब यहां पर ये जो 7 लिखा है ना दोस्तों, तो 7 को आप ऐसे याद रखना, 7 नहीं रहे, ठीक है, 7 नहीं रहे, या संविधान और पार्ट 7 नहीं रहे, खैर वो काफी लंबा हो जाएगा, सिंपल सा 7 से याद रखना, 7 नहीं रहे, है ना, 7 नहीं रहे। इससे आप क्या याद रखोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th नंबर का पार्ट है, इसे 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के तहत रिपील कर दिया गया, जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 238 यहां पर क्या हो गया, जो है ना, तो खत्म हो गया। अब इनको कहां पे मतलब मर्ज कर दिया गया है, तो आप सभी जानते हैं कि ये जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी में सम्मिलित हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आखिरी यू, आखिरी यू अगर आप देखोगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटोरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 8 और भाग 8 में कहां से कहां तक, आर्टिकल नंबर 239 से लेकर के 242 के बीच में डिफाइन किया गया है, ठीक है, 239 से लेकर के 242 के बीच में डिफाइन किया गया है, याद रहेगा, ठीक है। कितने हो गए अपने, 2 ग्रुप हो गए, कौन कौन से, सबसे पहला UCFD यानी पार्ट 1, 2, 3, 4, यू पार्ट 1, सी पार्ट 2, एफ पार्ट 3, डी पार्ट 4। यू स्टैंड फॉर द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 से 4 तक, सी स्टैंड फॉर पार्ट 2 सिटीजन से आर्टिकल 5 से 11 तक, डी स्टैंड फॉर द एफ स्टैंड फॉर द फंडामेंटल राइट पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, और डी स्टैंड फॉर द डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, ठीक। दूसरे ग्रुप में हमने देखा एफ यू एस 7 यू, एफ स्टैंड्स फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A आर्टिकल 51A, यू स्टैंड्स फॉर द यूनियन पार्ट नंबर 5 आर्टिकल 52 से लेकर के 151, एस स्टैंड्स फॉर द स्टेट पार्ट 6 आर्टिकल नंबर 152 से लेकर के 237 तक, फिर 7, तो 7 में 7 नहीं रहे, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 और आर्टिकल नंबर 238 रिपील हो गया और ये फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी में सम्मिलित कर दिया गया, ठीक है। और लास्ट है आपका यू स्टैंड्स फॉर द यूनियन टेरिटरीज पार्ट नंबर 8 आर्टिकल नंबर 239 से 242, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप हमने यहां पर डिस्कशन कर लिए हैं, आई होप कि ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। अब हम बढ़ते हैं तीसरे ग्रुप की तरफ, जिसे बोला गया PMCSR यानी कि पार्ट नंबर 9, 9A, 9B, 10, 11 PMCSR। तो पी स्टैंड्स फॉर द पंचायत, ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर द पंचायत, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर
9 में डिफाइन किया गया है, और पार्ट नंबर 9 में अगर आप देखें तो आर्टिकल नंबर कौन सा आ जाता है, 243। ठीक है, फिर एम स्टैंड्स फॉर द म्युनिसिपैलिटी, पार्ट नंबर 9 ए, आर्टिकल नंबर 243 ए याद रखना, उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो हमने वहां पर बताई हुई है आपको। ठीक है, फिर सी, सी स्टैंड्स फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल जो पार्ट है ये कहला जाएगा आपका 9 बी और आर्टिकल नंबर 243 बी। ठीक है, फिर एस, एस स्टैंड्स फॉर द जो आपके मतलब शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज थे, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया जिन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 10 में डिफाइन किया गया है, और भाग 10 में आर्टिकल नंबर जो है आपका 244 और 244 ए इनमें बात करी गई है इसकी। ठीक है, पीएमसीएस आर, आर स्टैंड्स फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध। ठीक है, ये कहां पर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 11 भाग 11 आर्टिकल नंबर 245 से लेकर के 263, 245 से 263 के बीच में बताया गया। ठीक है, कितने ग्रुप हमने डिस्कशन कर लिए, 3 ग्रुप हमने यहां पर डिस्कशन कर लिए। कौन कौन से 3 ग्रुप हमने डिस्कशन कर लिए, पहला ग्रुप जैसे यूसीएफडी कहा गया, यानी पार्ट 1 से 4 तक यूनियन सिटीजन से फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ग्रुप 2 एफयू S7U यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, 4A यू यूनियन, 5 एस स्टेट, 6 साथ साथ नहीं रहे, यू यूनियन टेरिटरीज, 8। ठीक है, फिर तीसरा ग्रुप जिसे कहा गया PMCSR यानी कि पंचायत म्युनिसिपैलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया और रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, पार्ट नंबर 9, 9A, 9B, 10 और 11। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों ग्रुप नंबर 4 की तरफ। ग्रुप 4 जिसे कहा गया FTSTESO, ठीक है, ध्यान रखना ये कौन सा था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4 ए, पार्ट नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16 और 17, फिर 18, 19, 20, 21 और 22। ठीक, तीसरे ग्रुप पर आते हैं। तीसरे ग्रुप को कहा गया एफ टी एस टी ई एस ओ, ये कौन सा था, पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 13, 14, 14A, 15, 16 और 17। ठीक है, अब देखो यहां पे जब हम बात करेंगे एफ, एफ किस चीज को डिनोट करता है, तो आप सभी जानते हैं फाइनेंस, है ना, तो फाइनेंस के साथ क्या आ जाएगा यहां पर, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट स्वीट्स, जो कि पार्ट नंबर 12 में डिफाइन है। फिर पार्ट नंबर 3 टी, टी स्टैंड्स फॉर द ट्रेड, तो ट्रेड से क्या आ जाएगा, ट्रेड कॉमर्स विद इन इंडिया। ठीक है, ट्रेड कॉमर्स विद इन इंडिया। अब देखो जो भाग 12 है
भाग 12 को डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 264 264 से लेकर के 300 ए के बीच में, और जो भाग 13 है इसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 301 से लेकर के 307 के बीच में। ठीक है, अब देखो एस एस यानी कि पार्ट नंबर 14 जिसे क्या बोला गया, सर्विसेस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स के अंदर जो सर्विसेज हैं ये आ जाती हैं आर्टिकल नंबर 308 308 से लेकर के 323 के बीच में। 14A टी स्टैंड्स फॉर द ट्राइब्यूनल्स और आर्टिकल 323 ए। फिर ई पार्ट 15 जिसे क्या बोला गया, इलेक्शन, ई स्टैंड्स फॉर द इलेक्शन पार्ट नंबर 15। आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक आ जाता है दोस्तों, तो 324 से लेकर के 329 के बीच। एस स्टैंड्स फॉर द जो भी स्पेशल प्रोविजंस हैं, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, और स्पेशल प्रोविजन जो सर्टेन क्लासेस से रिलेटेड हैं ये आपके 330 से लेकर के 342 342 के बीच में आ जाते हैं। फिर ओ स्टैंड्स फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट नंबर 17, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे कहा गया आधिकारिक भाषा, जो कि आर्टिकल नंबर 343 343 से लेकर के आ जाती है 351 351 तक। ठीक है, ये कौन सा था, ये था हमारा ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 3 यहां पर मैंने लिख दिया है 4। ठीक है, ये आपका पहला ग्रुप हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। अब हम आते हैं दोस्तों पांचवें ग्रुप की तरफ। ठीक है, पांचवें ग्रुप में क्या लिखा है, ई एम ए टी एस, इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो, ईट मैगी एज अ टेस्टी स्नैक्स, राइट। खैर, ई स्टैंड फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 18, एम स्टैंड फॉर द पार्ट नंबर 19, ए स्टैंड फॉर द पार्ट नंबर 20, टी स्टैंड फॉर द पार्ट नंबर 21, एस स्टैंड फॉर द पार्ट नंबर 22। ठीक है, यहां पर भी आप देखें, जब आप बात करेंगे ई पार्ट नंबर 18, ई स्टैंड फॉर द इमरजेंसी प्रोविजन, जो कि आर्टिकल नंबर 352 से लेकर के 360 के बीच में है। एम स्टैंड फॉर द मिसलिनियस, आर्टिकल नंबर 361 से लेकर के आर्टिकल नंबर 369 तक आ जाते हैं। फिर ए स्टैंड फॉर द अमेंडमेंट, यानी संविधान का संशोधन, जो कि आर्टिकल नंबर 368 में है, और ए जो अमेंडमेंट है ये पार्ट नंबर 20 में आ जाता है 21। टी स्टैंड फॉर द टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल, जो भी पर्टिकुलर प्रक्रियान वगैरह थे टेम्परेरी ट्रांजिशनल, है ना, ये आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 369 से लेकर के डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 392 तक। और एस आ जाएगा 22 जिसे कहा गया शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल ये आर्टिकल नंबर 393 से लेकर के 395 तक आ सके। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी आपकी UCFD FUS 7U की। ठीक है, UCFD FUS 7U PMCSR FTSTESOEMATS। ठीक है, तो इस ट्रिक के थ्रू जो है ना आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 22 पार्ट्स हैं आप उन्हें याद कर सकते हो। कैसे, ये यहां पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो था 1, 2, 1, 2 और 3, ये तीन ग्रुप थे ना, यूसीएफडी FUS 7U PMCSR। तो यू स्टैंड फॉर द पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल नंबर 1 से 4, सी पार्ट 2 सिटीजनशिप 5 से 11, एफ पार्ट 3 फंडामेंटल राइट 12 से 15, डी डीपीएसपी 36 से 51, एफ पार्ट 4A आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, यू स्टैंड्स फॉर द पार्ट नंबर 15 यूनियन आर्टिकल 52 से 151, एस स्टैंड्स फॉर द पार्ट 6 स्टेट आर्टिकल 152 से 237। तो ये मैंने आपको क्या बताया था, 7-7 नहीं रहे, 7-7 नहीं रहे,
है ना, यानी कि जो सेवेंथ पार्ट है ये सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के तहत रिपील हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो यू स्टैंड फॉर द यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 आर्टिकल 239 से 242, पी पंचायत पार्ट 9 आर्टिकल 243, एम म्यूनिसिपलिटी 9A आर्टिकल 243A, सी पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज 243B, एस पार्ट 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज 244 से 244A, आर पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट आर्टिकल नंबर 245 से 263। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप था दोस्तों उसे कहा गया FTSTESO, ठीक है, FTSTESO। तो F stands for the Part 12 Finance Property Contract Suites Article 264 से लेकर के 300। T Trade and Commerce Within India Article 301 से 307 Part 13, S Part 14 Services Under the Union and States 308 से 323, T Tribunals Part 14A Article 323A, 15 इलेक्शन, E stands for the election, पार्ट नंबर 15 आर्टिकल 324 से 329, S stands for the special provision relating to certain classes, आर्टिकल 330 से 342, पार्ट नंबर 16, और पार्ट नंबर 17 जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया जिसे O से रिप्रेजेंट किया आर्टिकल 343 से 351। इसके बाद देखिए लास्ट था ईट मैगी एज अ टेस्टी स्नैक्स, ईट मैगी एज अ टेस्टी स्नैक्स है ना, EMATS। तो E stands for the part number 18, that is emergency provision, article 352 से लेकर के 360, 352 से लेकर के 360। इसके बाद देखिए M, part number 19, जिसे miscellaneous कहा गया, article 361 से 367। A, part number 20, amendment of the Indian Constitution, article number 368। T, part number 21, temporary, transitional and special provision, article 369 से 392। S stands for the part number 22, जिसे बोला गया short title, date of commencement, authoritative text in Hindi and repeals। So दोस्तों ये थे Indian Constitution के 22 parts। I hope कि वीडियो आपको informative लगा होगा। लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, और मैं चाहूंगा कि ये जो ट्रिक है UCFD, FUS7U, PMCSR, FTSTESO, EMATS, ये आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल आज के सेशन को हम यहीं पर रोकेंगे। अगले सेशन में हम डिस्कशन करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी पर्टिकुलर 12 शेड्यूल्स हैं, यानी कि अनुसूचियां हैं, उनके बारे में। अभी के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, शुभ रात्रि।